यो तो नरसिंहपुर की गुड़ मंडी देश में अपने स्वाद और मिठास के लिए जानी जाती है, लेकिन बेमौसम बन रहे गुड़ की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह देखकर हो सकता है आपको गुड़ से नफरत ही हो जाए। वैसे तो सीजन पर आपने गन्ने के रस से गुड़ तैयार होते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन गुड़ बनाने की इस विधि को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह इसके बिल्कुल ही विपरीत है। यहाँ पर गुड़ बनाने के लिए गन्ने का रस नहीं बल्कि शक्कर फैक्ट्रियों के वेस्टेज सीरा, जिसे कहा जाता है सीरा और राब कहा जाता है, उसमें खराब गुड़ के साथ लकड़ी का बुरादा साथ ही अन्य कई सारे केमिकल मिलाकर इसे बेमौसम तैयार किया जाता है। दरअसल मार्च के महीने के बाद नरसिंहपुर में गुड़ माफियाओं के सक्रिय होने के बाद यहाँ जहरीला और अखाद्य अप्राकृतिक गुड़ बनाना शुरू हो जाता है। गुड़ को बनाने के लिए गुड़ में लकड़ी का बुरादा, कई सारे केमिकल साथ ही अन्य कई चीज़ें मिलाई जाती हैं जो कि सेहत के लिए भारी हानिकारक होती हैं। जहरीला हम इसे इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इस बिन मौसम में बन रहे गुड़ को बनाते समय साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, जिस कारण गुड़ में चीटी, कीड़े, जहरीले जीव साथ ही कई बार तो इसमें मरी चिड़िया भी देखी गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में सीरा रखने के लिए कुएं के आकार के बड़े बड़े गड्ढे बना जाते हैं जो कि जिनमें कि खुले में सीरा रखा जाता है। इतना ही नहीं, वर्तमान में व्यापारी प्रदेश के बाहर से केमिकल युक्त राब लाकर उस राब से गुड़ का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि मशीन आयल युक्त राब भी यहाँ भारी मात्रा में देखने को मिल जाता है, क्योंकि सेहत के लिए कितना हानिकारक है आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं। तो वहीं ग्रामीणों से जब हमने इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बिना मौसम बन रहे गुड़ के कारण क्षेत्र में भी अपार गंदगी और बदबू फैलती है। इतना ही नहीं, कई ग्रामीण इससे बीमार भी हो चुके हैं और रास्ते से निकलने में भी बदबू के कारण बड़ी ही कठिनाई होती है, जिसको लेकर पूर्व में भी कई बार ग्रामीण इसकी शिकायत कर चुके हैं। कब तक बनना चाहिए, कब तक बन रहा है? ये सीजन टू बाई सीजन बनना चाहिए, ये 12 महीने बन रहा है, गंदगी फैल रही है, इससे दूरभाषा खराब हो रहा है, आने जाने में दिक्कत होती है, वो गंदगी बसाती है ज़्यादा, कोई खाना खा कर आ जाए पलटी हो जाए उसको, इतना गंदा बसाता है। 24 घंटा कार्य चल रहा है, पिछले साल इस पर रुक लगाई थी मगर कुछ हुआ ही नहीं इसका। मेरा नाम नेत्राज सिंह कौरव है जी, मैं शुद्ध किसान हूँ। तो आप एक किसान हैं, ये बताएं कि गुड़ कब कब बनता है, कैसे कैसे बनता है? गुड़ तो सीजन पर बनना चाहिए ऑलरेडी, जो गवर्नमेंट से जो घोषित है सीजनेबल होना चाहिए, तो गन्ना पक जाता है और जब वो गन्ना का जो उत्पादन होता है तब गुड़ बनने का और नियम प्रक्रिया के तहत तभी बनना चाहिए। अब जहाँ जो भी गुड़ बन रहा है वो अवैध रूप से बन रहा है ये मुझे मालूम है, और ज़िले में बहुत सी जगह बन रहा है, अधिकांश जगह। आप